ये क्या बदतमीजी? कहा था ना मैंने आपसे कि शायरा को कोई हाथ नहीं लगाएगा, शायरा कोई क्रिमिनल नहीं है, तो क्यों आप लोग इसको क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे? अम्मी, आप सामने से हट जाइए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। जरा हटिए आप लोग, जाने दीजिए हम लोगों को। अम्मी, अम्मी रोकिए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ नहीं होगा इंस्पेक्टर, बस 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 एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए जो कुछ हुआ सिर्फ एक एक्सीडेंट था, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं नूर को जानता हूँ, वो उसका गुस्सा ठंडा होगा ना वो खुद आपके पास आएगी और कंप्लेंट वापस ले लेगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए, शायरा को अरेस्ट मत कीजिए। मैं आपके हाथ अजान हमारे लिए ऐसे गिड़गिड़ा ही मत, हमें जाने दीजिए, हमसे गलती हुई है और सजा भी हमें मिलनी चाहिए। शायरा आपसे गलती हुई है, गुनाह नहीं हुआ, ये तो गुनाह की सजा है। मैं आपको कहीं नहीं जाने दे सकता शायरा। परेशानी हो रही है, अम्मी हम उनसे कहिएगा कि हम अपनी गलती में बहुत शर्मिंदा हैं। बातें रोकिए, अम्मी रोकिए ना, आप तो बोलो ना। हम रजिया बेगम बोल रहे हैं, हमारी बहू को अरेस्ट किया गया है। जी मैं जानता हूँ, आपके यहाँ आने से पहले इंस्पेक्टर ने मुझे फोन करके पूरी सिचुएशन बता दी थी, क्योंकि आपके बहू के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है इसीलिए हमें एक्शन लेना ही पड़ा। सॉरी बेगम साहिबा, इस केस में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। इस हवेली से मदद मांगने के लिए फोन नहीं किए जाते कमिश्नर साहब, हमने सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया है कि हमारी बहू पर इल्जाम सिर्फ लगे हैं, साबित नहीं हुए हैं। हम कानून की इज्जत करते हैं इसलिए उन्हें कैद में लेने की इजाजत दे सकते हैं, एक
लेकिन उनके साथ बदसलूकी करने की नहीं। आपके घर की इज्जत को हिफाजत में रखा जाएगा। इंस्पेक्टर, आपकी हिम्मत कैसे हुई शायरा को इस तरीके से धक्का देने की? मैंने सब देख लिया। अपने गुस्से और जोश को थोड़ा काबू में रखें नवाब साहब। ये पुलिस स्टेशन है, आपकी हवेली नहीं। बहू बेगम हो या आम इंसान, पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल्स को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। शायरा क्रिमिनल नहीं। आजाद, मुझे अपनी बीवी से मिलना। मुआफ कीजिएगा नवाब साहब, फिलहाल आप इनसे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? लॉकअप में बंद क्रिमिनल से मिलने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो ठीक है, एक काम कीजिए, आप मुझे भी लॉकअप में डाल दीजिए। आजाद, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसे मत बोलिए प्लीज। अफसोस नवाब साहब, मैं आपकी ये इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती, क्योंकि ये लॉकअप सिर्फ फीमेल्स के लिए है। अगर आप कुछ नहीं कर सकती तो आप मुझे मेरी वाइफ से मिलने से रोक भी नहीं सकती। मैं कर सकती हूँ और बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। डबल मर्डर का चार्ज है आपकी वाइफ पे, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वजह से केस इतना उलझ जाए कि आपकी बीवी को तमाम उम्र सलाखों के पीछे काटनी पड़े। नवाब साहब को बाहर लेके जाइए प्लीज। कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल अकेला मत समझता, मैं यही हूं आपके क्या आसपास। ये साथ कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं। नई बहू के हाथ तो गुनाह अजीम हो गए, इसकी गलती की वजह से दो दो लोगों की जान चली गई। अम्मी! जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हूं मैं। वो एक हादसा था, चेहरा कातिल नहीं। तेरी तो ना मैं आज चक्कर से पटाई करूंगी, बता रही। तो मैं भी तुझे बताती हूँ कि मैं कैसी, ये चप्पल उठा के तेरे मुंह पर मारने वाली माँ जैसी हूँ। oh.
अम्मी चप्पल क्या अब जूते थप्पड़ सब मार लो लेकिन प्लीज वापस आ जाओ। मैं आपसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी, आपसे कोई लड़ाई नहीं करूंगी, आपकी सारी बात मानूंगी अम्मी, लेकिन प्लीज वापस आ जाओ अम्मी, जाओ प्लीज वापस आ जाओ। बड़ी अम्मी अगर आप यहाँ अपनी बहू की तरफदारी करने आई है ना तो मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। झूठ बोलूं तो कौवा खाऊं, तुम्हारी बड़ी अम्मी के पास इतना वक्त ही कहाँ है जो वो तुम्हारे गम बांट सके। वो तो इस वक्त अपनी बहू को जेल से छुड़वाने में मशरूफ है। नूर मेरी बच्ची, तो दिल छोटा मत कर। इस गम की घड़ी में कोई तेरे साथ हो या ना, पर मैं हूं। हाँ जानती है, इन बड़े लोगों के पास ना होने के लिए बहुत कुछ होता है, इसलिए इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क तो हम जैसे लोगों को पड़ता है जिनके पास ले दे के ये चंद रिश्ते ही होते हैं, और अगर यही रिश्ते हमसे खो जाए या फिर हमसे छीन लिए जाए तो इंसान टूट जाता है। आह नूरी, मेरी बच्ची। बस बस, अच्छा मेरी बात सुन, कोई है जो तुझसे मिलना चाहता है और अपने किए की माफी मांगना चाहता है, तो मिलेगी? मैं चाहता हूँ, मैंने जो हरकत की है वो माफी के नहीं बल्कि सजा के लायक है। और तुम जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है, कुछ भी बोल, मुझसे बात मत करो, मैं मेरी तरफ देखो मत, मुझे कुछ भी बोला बोला, जो जो बोलना है बोलो, तुम सब मंजूर है, बस मुझे अपने आसपास रहने दो। तो ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता, और ना ही ऐसे हालत में मैं तुम्हें अकेला छोड़ सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा, मैं कहीं कहीं कोने में पड़ा रहूंगा, मुझे पास रहो, प्लीज प्लीज।
जिन पर रत्ती भर भरोसा नहीं था वो आज मेरे साथ खड़े, और जिन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या हो गया? हमारी परवाह की वजह से लोग की जान चले गई, मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी माफ नहीं कर पाएंगे। सॉरी नूर, पर हम आपको ये ब्रेसलेट नहीं दे सकते। अच्छा, मैंने तुम्हें पूरा का पूरा 6 फीट का सिक्स पैक वाला अजान दे दिया और तुम मुझे एक ब्रेसलेट तक नहीं दे सकती? दुल्हन की माँ का नहीं, मैं दूंगी। बस कर नूर बेटा, और कितना रोएगी? बस बस। नूर, नूर, सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ खा लीजिए। आप नहीं खाएंगे तो मीनू को बिल्कुल। मैं आपकी कोई बात नहीं डालती, बड़ी मैं आप जरा मम्मी को वापस बुला लीजिए, वो आ जाएंगी। मम्मी को बुला लीजिए, अब इसको कोई बात नहीं डालती, सब सुनती है ना, और अब बुला लो ना। बेगम साहिबा, यास्मीन खाला को हॉस्पिटल से ले आए। अब चाहे नूर की नजरों में जितनी मर्जी अच्छी बन जाए सुलैया बेगम, लेकिन बहू बेगम और आसान का रिश्ता नूर से नहीं तोड़ सकते। झूठ बोलूं तो कौवा का, रिश्तों की तोड़ तोड़नी नहीं है, बस इतनी तेज करनी है कि जब उसे थामे
तो बहू बेगम भी हाथ कट जाए। सलाम बेगम साहिबा, आपके कहने के मुताबिक हमने शायरा बेगम को रिहा करवा लिया। अब उन पर कोई केस नहीं है। किस बिना पे? यही कि ये जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक मर्डर था। नूर, नूर बेटा, अपने आप को संभालिए। आपने अपनी अम्मी को खोया है और हमने अपनी बहन को, लेकिन इसमें शायरा का कोई कसूर नहीं है। ये कह रही हैं आप, इसमें शायरा का कोई कसूर नहीं है, कैसे हो सकता है कि वो तो आपकी बहू है। आपके बेटे की बीवी है, इसमें उसका कसूर हो ही नहीं सकता। कसूर तो मेरी अम्मी का है कि वो उस आग में जलकर मर गई। जो बारात लेके इस घर में आया और मेरा कि मैं अपनी अम्मी को इंसाफ तक नहीं दिलवा पा रही। मेरी अम्मी कहती थी कि मैं आपको बड़ी अम्मी बुलाऊं क्योंकि आप ही मेरी अम्मी हो। लेकिन आज आपने गलत साबित कर दिया। आप सिर्फ भोपाल की बेगम हो और हम सिर्फ आपकी नौकर। ऐसा मत कहो बेटा। दूर रहिए मुझसे। चार दिन का रिश्ता आपको बरसों पुराने रिश्ते से ज्यादा प्यारा हो गया। आप उसकी तरफदारी कर रही है जिसकी वजह से मेरी अम्मी
मुझसे छिन गई। इसकी वजह से फैज के घर वालों ने मुझे मनहूस कहा, लेकिन असली मनहूस तो ये खुद है। खुद तो यतीम थी, मुझे भी यतीम कर दिया। आप यकीन नहीं, मेरा अल्लाह जानता है, जब मैंने पहली बार इसे देखा था ना, दिल ने इसे बेटी मान लिया था।